दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के लिए जारी किए दो समन, जल बोर्ड मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया, शराब घोटाले में केस मार्च को तलब किया। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए सवाल, मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों का दिया जवाब, कहा घोटाला किया तभी एक साल से जेल में हैं आप नेता। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए, दिल्ली के सीएम कानून का सम्मान नहीं करते। दिल्ली बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा बेईमान को डिफेंड कर रही हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल को ईडी के नए समन पर बोली सुप्रिया सुले, कहा प्रतिशोध की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, स्वतंत्र नहीं है लोकतंत्र। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर 18 मार्च को एससी में सुनवाई, मई 2022 में जांच एजेंसी ने किया था गिरफ्तार। न्याय संकल्प यात्रा पूरी होने पर मुंबई में बोले राहुल गांधी, कहा देश में नफरत फैला रही बीजेपी गरीबों को नहीं दे रही है उनका हक। मुंबई के मणिभवन से अगस्त क्रांति मैदान तक राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा, प्रियंका गांधी में हुई शामिल। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की रैली, खड़गे प्रियंका सहित गठबंधन में शामिल दलों के नेता होंगे शामिल। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, राहुल और प्रियंका गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। महाविकास अघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का हो जाएगा ऐलान, शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा कल पता चल जाएगा किसे कितनी सीट। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, कांग्रेस को मिली 9 सीट, कांग्रेस 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से टीएमबी प्रमुख ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर, टीएमसी नाराज, मुंबई में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से रहेंगे दूर। दत्तात्रेय होसबोले फिर बने आरएसएस के सर कार्यवाह, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में फैसला हुआ, 2027 तक रहेगा कार्यकाल। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद आज हुई मोदी कैबिनेट की बैठक, पीएम आवास पर हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा। बीजेपी टीडीपी जनसेना के गठबंधन के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की जनसभा, पीएम मोदी करेंगे संबोधित, 2024 के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी जनसभा। चुनाव आचार संहिता लगते ही यूपी में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, गाजियाबाद में उतरवाए गए होर्डिंग और बैनर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनावी बैनर पोस्टर हटाए गए। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद देश में आचार संहिता लागू, यूपी के प्रतापगढ़ में प्रशासन ने पोस्टर बैनर को हटवाया। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम मंडल गिरफ्तार, वेयरहाउस से पेपर निकालकर नकल माफिया को कराया था मुहैया। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों पर हमले का मामला, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने डीजे और सीपी को दिया कार्रवाई का आदेश। पुणे आईएसआईएस मॉडल केस में एनआईए का एक्शन, एनआईए ने आरोपियों की लाखों की प्रॉपर्टी जब्त की। संदेश काली केस में 3 और गिरफ्तारियां, सीबीआई ने शेख शाहजहां के भाई आलमगीर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, ईडी पर हमले में भी शामिल थे 3 आरोपी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया, पिता ने सोशल मीडिया पर शेयर की बच्चे की फोटो। मथुरा में होली की धूम, आज बरसाना में खेली जाएगी लड्डू मार होली, सैकड़ों किलो लड्डुओं की होगी बरसात। लड्डू मार होली के दूसरे दिन बरसाना में होगा विश्व प्रसिद्ध लठ मार होली का आयोजन, बरसाना पहुंच रहे देश विदेश के लाखों श्रद्धालु। लेह लद्दाख के जोजिला में बर्फबारी जारी, बीकन के कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़, भारी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, एडवेंचर करते दिखे सैलानी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का ऐलान, आईपीएल 2024 पूरा टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा, जल्द ही आईपीएल के शेड्यूल का ऐलान होगा। डब्ल्यूपीएल में आज फाइनल मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीम में होगी भिड़ंत, दिल्ली में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।